क्यों और इंडिया जो है वो America से भी helicopters ले रहे हैं अपनी नेवी के लिए तो इसी तरह आज अमेरिका को इंडिया की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू चाइना क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमरीका जो है जिस तरह एक ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप बैक इन फिफ्टी सिक्सटीज में डेवेलप की अमरीका ने यूरोप के साथ उस तर्ज की इतनी बड़ी पार्टनरशिप जो है वो इंडो पैसिफिक में डेवलप हो रही है या अहम बात यह भी है कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन हिंदुस्तान के दौरे पर मौजूद हैं अभी जहां उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान मामले का वाहिद हल मुजाकर ही है अमरीका अफगान जंग और अब तालिबान और अफगान इंतज़ामिया जंग में सबसे ज़्यादा अफगान आवाम का नुकसान हुआ है और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त अफगानिस्तान से जो आज पहुँचे हैं असद खो खोशा साहब चीफ एडिटर हैं ऑफ काबुल नाव ऑनलाइन न्यूज़ सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शेजाद कोफ़ी साहिबा आप डायरेक्टर जस्टिस फॉर इक्वालिटी इन अफगानिस्तान हैं और कोऑर्डिनेटर फॉर पाक अफगान यूथ आप दोनों को खुश आंदेद कहते हैं hmm. hmm. असल रजाद जनरली ये तासर मिलता है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है hmm. और प्रो इंडिया है एंड आई अंडरस्टैंड उन्हें बड़ी हेविली hmm. इन्वेस्ट किया है सरमाकारी की अफगानिस्तान में इंडिया ने आपका पार्लियमान बनाया है डैम्स बनवाए हैं इज दैट ट्रू इसेंशली एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है और अगर है तो क्यों है Um, we cannot generalize that, but there is that is true to the some extent. And I feel like the reason why that disconnect is there is because of the me how media portrays. Right now, the way uh, you know uh, the interviews were given and the way they were talking about Afghanistan as an Afghani, I didn't like that. Okay. I didn't like that, and mm. uh, this is how m media works. So I feel like media could be the tool to connect people and uh, bring out the best Kaun better part si jo pakistan ki taraf se aap media mein zyada sunti hain aapko chupti hai zyada dard hota hai. i mean the misinformation and then the fact that you guys um, not you guys like some of the media they don't confirm the information before uh, you know publishing it Our viewers aaj baat karni hai ki jo secretary blinken aa rahe india ke uh, secretary blinken jo hain wo religious freedom pe baat Uh, ये बड़ा ही इंटरनेशनल प्रेस ने इसको उठाया हुआ है और मेरे लिए बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो प्रेशर डाल सकता है इंडिया के ऊपर व्हेन इट कम्स टू इस बात पे जी कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें क्या uh, इंडिया अमेरिका की इस बात को सुनेगा Uh, मुझे इस तरह लगता है देखिए बंदे को थोड़ा रैशनल होकर सोचना चाहिए बंदे को ये नहीं है कि जी अमेरिकन uh, जो हैं वो बड़े स्मार्ट हैं uh, वो एवे नहीं हर uh, जो मुल्क के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं उनको पता होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है तो इसी तरह आज अमेरिका को इंडिया की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू चाइना चाइना को देखने के लिए चाइना को चाइना एज ए चाइना को वो एक बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं तो क्या Uh, जितने बड़े अमेरिका के डिजाइन हैं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है जिस तरह एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बैक इन फिफ्टी सिक्सटीज में डेवलप की अमेरिका ने यूरोप के साथ उस तर्ज की इतनी बड़ी पार्टनरशिप जो है वो इंडो पैसिफिक में डेवलप हो रही है आपको याद होगा कि थोड़े अरसा पहले अमेरिका ने जो जो एक स्टेट डिपार्टमेंट का रिलीजियस फ्रीडम का जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने इंडिया को जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला और उनकी जो टीम है वो इंडिया को विजिट करना चाह रही थी और इंडियन फॉरेन ऑफिस ने उनको वीजे ही नहीं दिए और यह बात जयशंकर साहब ने इंडियन पार्लियामेंट में बताई थी कि हम उनको वीजे नहीं दे रहे सो दिस इज हाउ वो कहते हैं, हम मानते ही नहीं है इन चीजों को कि आप हमें ना बताएं हमने क्या करना है अच्छा इसी तरह आ, लेकिन कॉपरेशन भी चल रहा है ये नहीं कि कॉपरेशन बंद हो गया दोनों ममालिक के दरमियान दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप स्ट्रेंथ्स भी देखें वीकनेसेस भी देखें यहीं से आके अगर अगर पता चलता है हमें कि जो इंडिया है उसकी इतनी कैपेसिटी है देखें वो वो तो मैं आपको मजे की बात बताऊ इंडिया जो है वो रशिया से वेपन्स ले रहे एस फोर हंड्रेड क्यों वाला और इंडिया जो है वो अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर ले रहा है अपनी नेवी के लिए लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से क्यों वेपन ले रहा है फोर ले रहा है सिर्फ ये नहीं है शायद मेरे सुनने में तो ये भी आता है कि शायद इंडिया जो है वो रशिया से जो इसराइल से आयरन डोम भी ले सकता था लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एस फोर हंड्रेड की तरफ जा रहे हैं क्यों क्योंकि इंडिया ये फील करता है कि रशिया को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए और उसके लिए चाइना उसकी चाइना उसको वो पैसा दे सकता है सो इंडिया इज ट्राइंग टू कंपीट चाइनीज एस वेल ताकि जो चाइनी जो रशियंस हैं वो सारा चाइना की तरफ ना टिल्ट कर जाए दिस इज हाउ बीइंग शेप चीजें ऐसी शेप हो रही हैं कि इंडियन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो चाइना को के कर रहे हैं कि हमें रशिया से एस फोर मिल जाएगा ताकि हम रशियंस को न्यूट्रलाइज कर सकें

In terms of, uh, आपका जो मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट है तो ये ऑब्वियसली मच इम्पोर्टेंट सो क्या अमेरिका इंडिया को लेक्चर कर सकता है ऑन ह्यूमन राइट मीडिया फ्रीडम पिगास जो है स्पाईवे uh, के हवाले से मुझे नहीं लगता कर सकता है. ना ही इंडिया को वो uh, शायद उस हाँ टेबल पर बैठ के बात की जा सकती है हाँ लेकिन जिस तरह चाइनीज और अमेरिकन के आपस में सामने सामने जो हुआ था उसमें मेरा नहीं ख्याल के मीडिया के सामने अमेरिका करेगा और अगर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और ब्लिंकन अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर साफी सवाल करते हैं ब्लिंकन से कि आप पिगासस प्रोजेक्ट के वाले से आपने जो इन, क्या इंडियन अथॉरिटी से बात की है तो वहां पर जयशंकर क्या कहेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है क्या जयशंकर ब्लिंकन को ये कहने देंगे कि हम जो है वो आप हमें लेक्चर ना करें इंटरनल ये एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है या कि इंडियन फॉर जो फॉर जयशंकर है वो खामोश रहेंगे और वो बोलेंगे नहीं या उसको थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अमेरिकन को अनॉय ना करें ये भी एक पॉइंट है अफगानिस्तान के भाई बहनों ने आज पाकिस्तानी मीडिया की बोलती बंद कर दी उन्हीं के शो पे जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का चेहरा देखने वाला था पाकिस्तान मीडिया ने सवाल पूछा था क्या भारत के साथ में इज्जत है अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने बोला कि हाँ दिल से हम अफगानिस्तान वाले भारत की इज्जत करते हैं और तुम लोग झूठे तुम्हारा मीडिया झूठे तुम्हारे मीडिया के तरफ से हमारे देश के लिए बहुत गलत खबरें दिखाई जाती है जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है तुम लोगों के प्रति और इसके अलावा कमर चीमा भी हैरान है भारत की डिप्लोमेसी की ताकत देख के वो कह रहा है आज अमेरिका और चीन और रशिया में भी हिम्मत नहीं है भारत के सामने कुछ शर्तें रखे और भारत पे दबाव डाले भारत अपनी शर्तों पे काम करता है और यही एक स्वतंत्र देश की पहचान है क्योंकि अब भारत उभरता हुआ शक्तिशाली देश बन चुका है जिसकी वजह से सारे जो बड़े मुल्क हैं उसे भारत की मात माननी पड़ेगी अगर भारत से उन्हें काम लेना है तो और यही चीज़ देखे कंवर चीमा सोच रहे कि भारत आज कितना आगे निकल गया कि बड़े बड़े मुल्क भी उसको अब जबरदस्ती बात मनवा नहीं सकते और ये रिजल्ट तब है जब पाकिस्तान को हर कोई धमकाता है कि रूमोर अगर नहीं करोगे तो तुमको कर्जा नहीं देंगे और तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे ये फ़र्क है एक स्वतंत्र देश में और एक गुलाम देश में जय हिंद दोस्तों धन्यवाद